नमस्कार, विवाद विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विरोध हाजिर हूँ आपके सामने पूर्व की भांति आज की महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार शेयर करने के लिए। अभी जो सर्वाधिक चर्चित एक घटना जो मीडिया में चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं, वह है केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री के नितिन गडकरी के एक बयान। और यहां एक बार फिर साबित हो गया कि मीडिया का एक वर्ग जानबूझकर शरारतवश कुछ ऐसी खबरें चलाता है जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। जी हां, नितिन गडकरी के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ। एक खबर चली, चलाई गई, काफी चर्चा हुई, जैसे कि नितिन गडकरी यह कह रहे हो कि मुझे अगर हटा दिया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह की बातें चलाई गई एक पुराने वीडियो को लेकर के, जबकि सच्चाई कुछ और है। खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मैं रख गया तो गया पद चिंता नहीं, रख गया तो गया पद चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहां अक्सर मुझे मेरी अवकाश। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मैं रख गया तो गया पद चिंता नहीं, रख गया तो गया पद चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेड़घाट तहसील थी और वहां 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफी वर्ल्ड लेवल पर काफी हाहाकार मचा। आपको याद होगा ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेड़घाट में 450 गांव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नाही करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर, आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको। तो चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गए। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद चिंता नहीं, मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में परतवाड़ा में रहते हैं, मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, मैं राजदूत पर, उसमें राजदूत थे, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो एसी थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो। वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है, और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि ये 450 गांव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम असाब आपने ऐसे कैसे लिखा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया।
और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए, और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए, 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे, और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है, तो फिर डिपार्टमेंट को सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माई डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। काफी पहले एक गांव में एक सड़क निर्माण को लेकर नितिन गडकरी एक अधिकारी से बात कर रहे थे, बता रहे थे, उसी से उन्होंने कहा यह काम होना है, आप साथ रहते हो ठीक है, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कर लूंगा। इसे तोड़ मोड़ बड़ करके ये कहा कि जैसे कि आज वो कह रहे हो कि मुझे हटा दें मंत्रिमंडल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन गडकरी ने दोनों वीडियो कल जारी कर यह बताया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है और बिल्कुल सही दी है कि जानबूझकर कुछ शरारती तत्व इस तरह से खबरों को चला रहे हैं, फर्जी खबरों को चला करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुख्य धारा के कुछ मीडियाकर्मी, सोशल मीडिया का एक वर्ग और कुछ लोग ऐसे घृणित कार्रवाई में संलग्न हैं। आरोप नितिन गडकरी का बिल्कुल सही है, और जैसे कि बावन पे उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह बंद नहीं होता तो मैं कानून की शरण में जाऊंगा और उन लोग संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन दिनों मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का एक वर्ग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। वो जानबूझकर भ्रम पैदा करते हैं, जानबूझ के, इसलिए कि जैसे ताजा मामला गडकरी का हुआ है, दोनों वीडियो सामने है, जब वो इस सड़क निर्माण के लिए गांव में अधिकारी से बात कर रहे थे और जो निर्देश दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और जो अभी की बात हुई है, दोनों वीडियो सामने है वहां पर। तो क्या यह जारी करने वाले जो मीडिया घराना या चैनल या सोशल मीडिया पर जिन्होंने किया उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने देखा, उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है, इसका मतलब उन्होंने एक आपराधिक कृत्य किया है। नितिन गडकरी बिल्कुल सही है कि ऐसे मामलों में वो एक कानूनी सहारा लेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे, यह बिल्कुल होना चाहिए। इन दिनों जब देश के हालात कुछ ऐसे हैं और राजनीतिक हवा कुछ इस तरह से बह रही है कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि 2024 का अब आम चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी बातें होती रहती हैं, मोदी के भविष्य को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर के, कांग्रेस के भविष्य को लेकर के, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर के, केजरीवाल के भविष्य को लेकर के, इस तरह कई बातें चलाई जा रही। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक खास असर रहता है, चूंकि वो जब खबरें देते हैं तो उनके जो श्रोता होते हैं, उनके दर्शक होते हैं, उनके पास वो सीधी बात पहुंचती है और उसे बड़ा वर्ग उसे सही मान लेता है। उसका कारण है, ध्यान रहे, कुछ दिनों पूर्व मार्कंडेय कार्जू ने एक टिप्पणी की थी कि देश की 90% जनता मूर्ख है। इस मूर्ख के शाब्दिक अर्थ में नहीं जाइए, उनके कहने का आशय यह था कि 90% जनता सच्चाई को भांप नहीं सकती, आशय यह था। यह बिल्कुल सही है, आज 10% में हमें कोई खबर आती है तो हम अन्य खबरों को देखते हैं, 4-5 और चैनल को देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उस खबर के पार्श्व को जानते हैं, किस संदर्भ में कब क्या कहा गया उसको जानते हैं, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आम जनता जो 90% थी वो ऐसा नहीं करती, वो सीधे ग्रहण करती है खबरों को। इस स्थिति का बीजा लाभ उठाते हुए पूर्वाग्रह ग्रसित कुछ खबर या चैनल और सोशल मीडिया पर सक्रिय एक वर्ग और कुछ खास लोग जानबूझकर ऐसा काम करते हैं ताकि किसी का मान मर्दन किया जा सके।
किसी को गलत रूप में, किसी राजनेता को या किसी राजदल को गलत रूप में पेश कर समाज में उसकी छवि धूमिल की जा सके। नितिन गडकरी इसी कुकृत्य के शिकार हुए हैं। वह वर्ग जिसे अच्छे तरह मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ करके इनके मान मर्दन के लिए गलत खबरों को प्रसारित कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, यह एक आपराधिक कृत्य है, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जानने वाले, नितिन गडकरी के स्वभाव को जानने वाले तस्दीक करेंगे कि नितिन गडकरी उन्हें छोड़ेंगे, मेरे छोड़ना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा हो चुका है इस देश में। एक घटना बताऊंगा तो आप तो आश्चर्यचकित रहेंगे। ये काफी पहले की बात है, दिल्ली में देश के एक बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर एक खबर छपी थी, फलना फला केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, साथ में अपने लड़के को ले जा रहे हैं। ये प्रथम पृष्ठ पर, मुझे आज भी याद है, आठवें कॉलम में टॉप में सिंगल कॉलम कवर थी, पूरी खबर छपी थी। अब वो बेचारे संबंधित मंत्री परेशान कि उनका बेटा कहां से आ गया, चूंकि वे अविवाहित थे, उन्होंने शादी ही नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मेरा बेटा कहां से पैदा हो गया जो मेरे साथ विदेश यात्रा पर जा रहा है। ऐसी खबरें, चूंकि उनको मान मर्दन करना था, उन्हें अपमानित करना था, खबर छपा बगैर ये जांच सच उनके तह में गए, ये सच्चाई जाने हुए कि हाँ वह विवाहित है कि नहीं, उनका कोई बेटा है भी कि नहीं। ऐसी घटनाएं कई बार हुई है राजनीतिक स्तर पर। ये जानबूझकर के विवाद पैदा करना, भ्रम पैदा करना, समाज को गुमराह करना, इस बात का जैसे कुछ खबरिया चैनलों ने ठेका ले रखने का है। और अभी चूंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में नितिन गडकरी और शिवराज चौहान को शामिल नहीं किया, इसे लेकर कई तरह के कयास, राजनीतिक कयास किया, तो वहां तक ठीक है, आप कयास लगाइए, लेकिन संदर्भ को जान करके, तथ्यों को जान करके सही बात को सामने लाइए, सही बात को दिखाइए, सही बात को लिखिए। यह आप नहीं करते हैं, आपको तो सिर्फ मजे लेना है और भ्रम पैदा करके राजनीतिक विद्वेष को जन्म देना है ताकि उनका मान वर्धन हो सके। यह मीडिया का कर्तव्य नहीं है, यह मीडिया का धर्म नहीं है। दुखद बात यह है कि आज हम जब मीडिया के धर्म और कर्तव्य की बात करते हैं, समाज के प्रति उनके दायित्व की बात करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि विशाल वर्ग इन्हें गुने कुछ पत्रकारों को मीडिया उसको छोड़ दिया उंगलियों पर गिनने लायक, अधिकांश जो है ये जानबूझ करके अपने निहित स्वार्थ की तरफ, एक एजेंडे की तरफ, एक एजेंडे की तरह जानबूझ करके इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं जो नितिन गडकरी के मामले में किया। यह अत्यंत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह हम न केवल अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, समाज में हमारी पहचान भी एक गलत व्यक्ति के रूप में होगी। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम समाज के एक सम्मानित सदस्य हैं। नहीं, अगर यह स्थिति जारी रही, इस तरह के झूठ प्रपंच का सहारा लेकर के हम लोगों का मान मर्दन करते रहे, गलत खबरें जारी करके समाज में भ्रम पैदा करते रहे, तो हम घोर अविश्वसनीय बन जाएंगे और हमारी स्थिति एक गैर सामाजिक रूप के रूप में समाज में हो जाएगी। और अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में हमें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़े। या आपको अभी अजीब लगेगा, लेकिन जब अति होता है, किसी स्त्री अति होता है, तो कदम भी अति वाले ही उठाए जाते हैं। अगर कानूनी रूप से इस पर अंकुश नहीं लग सका, इस प्रवृत्ति पर मीडिया घरानों के संचालकों संपादकों ने अंकुश नहीं लगाया और यह प्रवृत्ति जारी रही, यह क्रम जारी रहा, यह भ्रम पैदा करने की स्थिति बंद नहीं की हुई, तो अंततः हो सकता है कि पाठक और श्रोता स्वयं में कोई निर्णय ले, और वह निर्णय आने वाले दिनों में, कोई आश्चर्य आप मत कीजिए अगर ऐसा हो जाए कि इससे संबंधित पत्रकार या मीडिया घरानों का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया जाए। यह संभव है, क्योंकि जिस दिन समाज को यह पता लगेगा कि जानबूझ के हमें गुमराह किया जा रहा है, जानबूझ के समाज में राजनीति का शांति और स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो वे ऐसा निर्णय ले सकते हैं।
हमारे मीडिया घरानों से, पत्रकारों से, संपादकों से आग्रह है कि अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ, अपने पत्रकारीय मूल्य दायित्व को समझें, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और सत्य आधारित खबरों को ही सामने आते हैं। आप जब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, खबरों की समीक्षा करते हैं, आप दोनों पक्ष की आपको पूरी छूट है इसकी। आपके मन में कोई संदेह है उसे अवश्य व्यक्त कीजिए। जनता अगर बस कोई संदेह व्यक्त करती है तो अवश्य व्यक्त कीजिए। पाठक या श्रोता कोई संदेह व्यक्त करता है तो उसे जरूर बताइए। उसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो तथ्य है, जो सत्य है, उसे भी साथ साथ उसकी भी जानकारी दीजिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो। देश की जनता ऐसी अपेक्षा मीडिया घरानों से करती है और यह सही भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज मीडिया का एक निर्णायक प्रभाव पाठकों पर और श्रोताओं पर पड़ता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान रखिए हमारे मीडिया रहेगा नहीं रहेगा, नए मीडिया आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश और समाज कायम रहेगा। और कौन सा देश? वो भारत देश जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, सुख्यात है। उसके ऊपर अगर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगने शुरू किए मीडिया के कारनामों के कारण, तो समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या ऐसी स्थिति के लिए हम और आप तैयार हैं? ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि मीडिया घराने आएंगे जाएंगे, पुराने जाएंगे नए आएंगे, पत्रकार भी पुराने जाएंगे नए आएंगे, लेकिन वर्तमान में हमारा यह दायित्व होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ऐसे आदर्श छोड़ जाए जो हर दृष्टि से सत्य आधारित हो और मीडिया के पक्ष में, समाज के पक्ष के, देश के हित में ऐसे संदेश छोड़ जाए जिस पर चलते हुए हमारी आने वाली पीढ़ी से आशय, आने वाली पत्रकारिता की पीढ़ी से उसे हम कुछ ऐसा धरोहर के रूप में दे जाए ताकि वे मीडिया के आन शान बान को कायम रखे, मीडिया की विश्वसनीयता को कायम रखे, उसे और आगे बढ़ाए, न कि उसे अविश्वसनीय बना करके स्वयं भी समाज में लांछित हो और पूरा का पूरा मीडिया समाज में लांछित हो, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी का ताजा उदाहरण है इसमें जो सत्य है, हालांकि कुछ घरानों ने शुरू किया, हमारे नागपुर टुडे ने भी विस्तार से इसकी जानकारी दी है, आप देख लेंगे अन्य अखबारों और अन्य सोसाइटियों ने भी दी है। तो यह हमारा कर्तव्य बनता है, जो गलती हो गई सो हो गई। अब चूंकि सच सामने है, दोनों वीडियो सामने है कि सच क्या है। उस गांव में सड़क निर्माण के लिए एक अधिकारी से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी क्या बात कर रहे हैं और अभी वो क्या बात कर रहे हैं, दोनों सामने है। कहीं भी वैसी कोई बात नहीं है जिस तरह से खबरों को प्रचारित किया गया। ऐसा भ्रम पैदा करना की कोशिश न करें। नितिन गडकरी के विषय में आप जो जानते हैं सभी जानते हैं, लेकिन जानबूझकर तथ्य पर आप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वे संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता है, विद्यार्थी काल से ही वो संघ से जुड़े रहे और पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो। और क्या यह बताना होगा, यह तो दोहराना ही होगा कि आज मोदी मंत्रिमंडल में सर्वश्रेष्ठ काम करने के किसी का श्रेय जाता है तो नितिन गडकरी के जाता है। आज अगर मोदी मंत्रिमंडल की उपलब्धियों की चर्चा की जाती है तो नितिन गडकरी के विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के कामों को दिखाया जाता है। उपलब्धि के रूप में आज मोदी मंत्रिमंडल के पास एक वही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कारण भी कहीं न कहीं कोई कुंठा उपजी है और जानबूझ करके उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है गलत बयानी के द्वारा, गलत तथ्य के द्वारा। अरे आपको चुनौती है, आप पत्रकार हैं, आप मीडियाकर्मी हैं, तो सच्चाई लेकर सामने आइए। अगर ऐसी बात कोई हो आप सच लेकर आइए, जनता का आपका साथ मिलेगा, आपके पाठकों का साथ मिलेगा, आपके श्रोताओं का साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत बयानी के दोषी पाए गए, जैसा कि नितिन गडकरी के मामले में हुआ,
कि आपने जानबूझकर शरारतपूर्ण ढंग से फर्जी खबरों को चलाया है, यह जनता समझ गई है, तो फिर उनकी नजर में आपकी हैसियत दो कौड़ी की हो जाएगी। आप सम्मानित पत्रकार नहीं रहेंगे, आप समाज के एक घृणित वस्तु के रूप में स्थापित हो जाएंगे। धन्यवाद।